ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मेघा। नवरात्रे का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इनकी उपासना होती है। आप जानते हैं कैसे करें शैलपुत्री की पूजा, क्या है उनकी पूजा की विधि, कथा और आरती। माँ का शैलपुत्री स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है जो पूरे हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शंग लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटिका माँ की तस्वीर पर छोड़ दें। उसके बाद माता को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। माता के मंत्रों का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेख राम वृषारुणाम शूल धराम शैल पुत्रीम यशस्विनी। आपको इस मंत्र का सही से उच्चारण करना है। आप जानते हैं माँ शैलपुत्री का प्रसाद। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी समर्पित करने से भक्तों को आरोग्य जीवन मिलता है। इससे भक्तों का जीवन और उनका शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। आप जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा क्या है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब सती देवी ने ये सुना कि उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन करने लगा। उन्होंने ये इच्छा भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करके भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में सती देवी, आपका वहाँ जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ये कहने पर भी सती माता नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। जब माता सती पिता के घर पहुँचती हैं तो देखती हैं कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें अपने गले से लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भरे शब्द थे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानना और यहाँ आना दोनों ही मेरी बहुत बड़ी गलती हैं। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं पर अग्नि में भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने अपना क्रोध खो दिया और वो अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। सती माता ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री माता के नाम से विख्यात हुई। माता की कथा के बाद आप जानते हैं माता की आरती। शैलपुत्री माँ बैल अस्वार करे देवता जय जयकार शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने ना जानी पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिला दो घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के
श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, माता की आप पर कृपा जरूर होगी। ये जानकारी हमने विभिन्न आलेखों, शास्त्रों से और पुराणों से उठाई है। हम इस जानकारी की सत्यता पर कोई प्रकाश नहीं डालते। एवन न्यूज टीवी में इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी।